जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हमजा स्थानवी। आप देख रहे हैं आप अपना लोकप्रिय चैनल बिहार टीवी। कृषि कानून के विरोध में आज कई संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद की गूंज नालंदा जिले में भी देखने को मिला है। सुबह से ही कड़कों के ठंडे से बेपरवाह राज्य जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय लोक सम्मान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से ही NH-20 पर उतरकर कृषि बिल विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने टायर जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। इस भारत बंद का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राजगीर नई दिल्ली सिरंजीवी एक्सप्रेस को राजद कार्यकर्ताओं ने पावापुरी हॉल्ट पर रोकने की कोशिश की। ज़्यादा कोहर होने के कारण ट्रैक पर खड़े राजद कार्यकर्ताओं का हुजूम के ट्रेन चालक ट्रेन देख नहीं पाए, जिस कारण जिस जगह पर खड़े होकर विरोध करते थे वहां पर ट्रेन नहीं रुकी, जिस कारण राजद कार्यकर्ताओं को रेल की पटरी से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। मान गनीमत यह हुई कि किसी को कुछ नहीं हुआ। देखिए ये आंदोलन है और ये जन आंदोलन में जो ट्रेन चला रहा है वो किसान के बेटा है, जो ट्रेन पर सवार वो किसान का बेटा है। तो जैसी समूह देखा वो किसान का बेटा ड्राइवर जरूर है, ट्रेन पर ड्राइवर है, लेकिन बेटा तो किसान का, बेटा तो देश का है। उसे भी लगा कि नहीं, लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने ब्रेक मारा, रोकने का काम किया। हमारे कोई कार्यकर्ता कहीं कुछ नहीं हुआ, सारे लोग संयम से वही रोक दिए। हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग बहुत दूर थे। कौन सी ट्रेन को रोके? संजीवी एक्सप्रेस को रोका। किसान बिल के लिए सारे लोग हैं, चाहे देश की जनता, चाहे नौकरी वाला हो, कर्मचारी हो, सिपाही हो, ड्राइवर हो, सिपाही हो, सारे लोग। आज पहली बार ऐसा है देश में कि किसान के बेटा और जवान के बेटा आमने सामने कर दिया। ये कभी होता था? और जवान के काम है बॉर्डर संभालना, हमारे देश के किसान जो अन्नदाता है उसके सामने खड़ा कर दिया रोकने के लिए। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।